नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप हाइड एप्लीकेशन को अनहाइड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे हाथ में है ओप्पो F19 प्रो प्लस मोबाइल, और इसमें आपको हाइड एप्लीकेशन को अनहाइड करने के लिए चले जाना है डायल पैड पे। और डायल पैड पे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाइड कैसे करना है, और इस वीडियो में अनहाइड बता रही हूँ। तो पहले तो मैं दिखा देती हूँ हाइड एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं ये रहे हिडन ऐप्स, और इनको अनहाइड कैसे करना है परमानेंटली। तो चले जाएंगे आप सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे और आपको चले जाना है यहाँ पे प्राइवेसी पे। प्राइवेसी पे आपको हाइड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। और जो भी आपने लॉक वगैरह सेट कर रखा है वो आप यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ से आप मैनुअली भी इसको अनहाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर प्रॉपर तरीके से पूरा अनहाइड करना है तो यहाँ पर आप जाके सेटिंग पर चले जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और अपना पैटर्न डालेंगे ऐप लॉक का। और यहाँ पे आपको टर्न ऑफ पासवर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके फीचर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप रिकवरी ईमेल वगैरह सेट चेंज कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे टर्न ऑफ पे क्लिक कर दूंगी। अगर आपको प्राइवेसी पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो चेंज पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे टर्न ऑफ पे क्लिक कर दूंगी। तो ये परमानेंटली यहाँ से जो ऐप हाइड हो रखे हैं वो आपके होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, और एप्लीकेशन जो लॉक हो रखी है वो सब यहाँ पे सेटिंग खत्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पे ये रहा आपका एप्लीकेशन। तो इस टाइप से आप हिडन ऐप को अनहाइड कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।